प्रदेश में जहां एक और कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं अब अजमेर में कोरोना को भगाने के लिए काफी लोग जागरूक दिख रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अब तक यहां 2.5 लाख लोग टीका लगवा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से पर्याप्त बंदोबस्त भी किए गए हैं। खास बात यह भी है कि सीनियर सिटीजन की टीका लगवाने के बाद अब धीरे धीरे लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। अजमेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि अब तक अजमेर में 2.5 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परिजनों को भी टीका लगवा दिया है। इस संबंध में चंद्रवरदाई नगर डिस्पेंसरी की कार्यवाहक प्रभारी डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय ने भी बताया कि डिस्पेंसरी में रोजाना लगभग 250 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। रविवार का दिन होने के बावजूद भी 11 बजे बाद तक टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के टीके को लेकर किसी भी तरह का भ्रम मन में नहीं रखें। इस टीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे में अपने घर से निकलकर नज़दीकी डिस्पेंसरी पर जाएं, साथ ही कोरोना का टीका लगवाकर इस महामारी को हराने में सरकार की मदद करें। आपने कितनी डोज लगवा ली और क्या संदेश देना चाहेंगे, आपको कैसा फील हुआ कोविड वैक्सीन लगने के बाद? मैंने दोनों डोज लगवा ली और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, एकदम कंफर्टेबल, बहुत अच्छा यहाँ पे लगा और स्टाफ का सहयोग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? वही कि आप जितना जल्दी हो सके, जिनको 45-60 वाला है, जितना जल्दी हो सके आ जाए और लगवाएं। आज भी लोगों को ये भ्रम है कि ये लगने के बाद में कई सारी परेशानियाँ हो रही है। नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से आकर लगवाएं। आपका नाम? पदम सिंह चौहान। यहाँ किस तरीके से क्या व्यवस्था कर रखी है कोविड वैक्सीन को लेकर? जैसे कि आज संडे है तो उसके बावजूद भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी हमने वैक्सीन लगा दी है। तो जिस भी तरह से लोग अगर डर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाना है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए, फ्री में सरकार वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही है और कोविड से लड़ने का एकमात्र यही तरीका है। क्योंकि अगर वैक्सीन लगने के बाद भी किसी को कोविड होता है तो उसकी इतनी जानलेवा नहीं होगा, वो आपको अफसोस हो सकता है कि सिर्फ आप पॉजिटिव आएँ और आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की भी ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी सभी चंद्रवरदाई के लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और यहाँ पर वैक्सीनेशन का लाभ उठाएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दिन के 250-300 लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें ताकि जितनी जल्दी हो सके पूरे अजमेर में वैक्सीनेशन हो जाए और हम इस कोविड के खतरे से अपने आप को सुरक्षित कर पाए। आपने खुद ने लगवा लिए हैं दोनों? बिल्कुल, दोनों वैक्सीन हमारे तो पहले ही लग गए। सबसे पहले तो हमें ही लगे, फिर 60 साल से बड़ी उम्र वालों को और 45 से 60 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन आराम से हो रहा है। तो प्लीज़ आइए और वैक्सीनेशन का लाभ उठाइए। वैक्सीन को लेकर लोगों में थोड़ा सा भ्रम है कि ये लगने के बाद में कई सारी परेशानी आती है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है ये भ्रम, प्लीज भ्रम में ना रहें। वैक्सीन सब लोग लगवा चुके हैं, प्रधानमंत्री तक लगवा चुके हैं, तो आप सोचिए कि हम डॉक्टर्स होके और जो भी क्यों हम वैक्सीन लगवाएंगे, अगर इसका कुछ हमें पहले से ही पता हो कि इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम क्यों वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो जो भी आपको भ्रमित कर रहे हैं उनसे उनकी बात मत मानिए, हम एजुकेटेड हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, आप प्लीज़ हमारी बात मानिए और वैक्सीनेशन का लाभ उठाइए। थैंक यू। आपका नाम बता दो। मैं डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय, अभी इंचार्ज हूँ यहाँ पर वैक्सीनेशन की, CHC चंद्रवरदाई में।